नवनियुक्त महिला बाल विकास मंत्री इमरती देवी मंत्री बनने के बाद पहली बार दतिया पहुंची। दतिया पहुंची मंत्री इमरती देवी पहले जगह जगह स्वागत होने की वजह से पीताम्बरा मंदिर में समय पर नहीं पहुंच सकी थी। पट बंद होने के चलते उन्होंने 2 बजे के बाद मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना कर दर्शन किए। इसके बाद मंत्री इमरती देवी का कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। मंत्री इमरती देवी ने मीडिया से कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा मुझे प्रदेश की सेवा करने का मौका दिया गया है। मैं पूरी तरह से अपने पद की रक्षा करूंगी। मैं चाहती थी कि मुझे बाल विकास मिले, कुपोषण पर ध्यान देना मेरी पहली प्राथमिकता होगी। लोकसभा का चुनाव भी नजदीक है, देश भर में क्या प्लानिंग है आपकी? सब नई जान, हमारी जनता और कार्यकर्ता और हमारे सभी लोगों की मेहनत है कि इसलिए कांग्रेस में नई जान आई। हमारे आने से नहीं, जनता ने जो नई जान, जनता का इस वजह से पूरे प्रदेश की जनता का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि ये नई जान कांग्रेस में लाए। अब क्या हर कार्यकर्ता आपको अपने बीच पाना चाहता है, चाहे वह पूरे मध्य प्रदेश का हो, ग्वालियर का हो, दतिया का हो, कैसे आप कार्यकर्ताओं के बीच पहुँचेंगे? जो भी कार्यकर्ता हो, जब जिसको मेरी बहुत जरूरी आवश्यकता होगी मैं उनके बीच में उपस्थित रहूँगी। कमलनाथ जी ने आपको बहुत बड़ा मंत्रालय दिया है, बहुत बड़ा पद है महिला बाल विकास का, क्या पहली प्राथमिकता आपकी होगी? वो हमारे मुख्यमंत्री हैं और श्रीमान ज्योतिराव सिंधिया हमारे नेता हैं, उनने जो भी पद लाया है मैं उसकी पूरी तरीके से रक्षा करूंगी। चाहे कुपोषित बच्चे हो, चाहे बेटियां हो, चाहे महिला हो, मेरी ये काम है। जो मुझे जैसा विभाग दिया है, मैं तो चाहती थी कि मुझे सेवा करने के लिए महिला बाल विकास मिले, तो जैसा ही मैं चाहती थी वैसा मैंने, जैसे 10 साल में डबरा की सेवा की है, 15 साल ऐसे ही मैं चाहती थी कि प्रदेश की सेवा करने का भी मौका मिले, और वो मौका मुझे ज्योतिराव सिंधिया ने दे दिया।